Hello traders, welcome to RGTS.in. Today हम इस tutorials में RGTS online का use कैसे करना है उसके बारे में discuss करेंगे. मैं आपको पूरा guide करूँगा कि RGTS online जो हमारे chart है, web based chart है, आप mobile, tablet या आपके laptop computer या तो desktop computer पे directly website पे login करके आप signals देख सकते हो. और RGTS ऑनलाइन जो चार्ट है वो ऐसे ही इन्वेस्टर के लिए यूजफुल है जो इन्वेस्टर नॉर्मली ऑनलाइन नहीं रहते हैं या तो अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं. तो आप कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है जिसमें आप डायरेक्टली ब्राउजर में हमारा वेबसाइट ओपन करके यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप ऑनलाइन सिग्नल देख सकते हो. नॉर्मली ऑनलाइन RGTS ऑनलाइन जो सिग्नल देखने के लिए आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है. सो मेंबर एरिया का जो लॉगिन बार दिया गया है उसमें आप डायरेक्टली यूज़र आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं. आप लॉगिन करते हैं तो आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना रहता है. सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आप डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं. डैशबोर्ड पे हमें लेना है RGTS सिग्नल्स में. हम NSC सिग्नल्स जो लाइव सिग्नल्स है उसकी बात कर रहे हैं और MCX सिग्नल्स आप लाइव देख सकते हो. उसके अलावा EOD सिग्नल्स भी दिया गया है. आप EOD बेस पे आप डायरेक्टली विदाउट लॉगिन करके आप वेबसाइट पे देख सकते हो. NSC सिग्नल्स और MCX सिग्नल्स के लिए लॉगिन करना रहेगा. हम बात करेंगे NSC सिग्नल्स की. अगर आप NSC सिग्नल्स पे क्लिक करेंगे आप दूसरा न्यू टैब में रिडायरेक्ट हो जाएंगे. आपको इस तरह से एक फिक्स चार्ट दिखता है. उसके एक्सेट नीचे की साइड में जितने भी स्क्रिप्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है. नॉर्मली मेजर जो स्क्रिप्ट है और हमारा सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है उसमें हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं. सिंपली आपको कोई चार्ट सिलेक्ट करना है तो लिस्ट में से आप कोई भी आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा चार्ट और आपको ऊपर उस सिग्नल्स दिख जाएगा. ये हमारा चार्ट आ गया. हम बात करेंगे पहले तो जो चार्ट पे आपको जो फंक्शनलिटी गया दिया गया है. नॉर्मली जो हम ऑनलाइन फिक्स चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम पेज चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब कि आपको जो चार्ट दिख रहा है वो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम से बन रहा है लेकिन उसके ऊपर जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो हम 5 मिनट 15 आवरली टाइम फ्रेम दे रहे हैं. नॉर्मली हमें जो काम करना है इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम से हम ट्रेड कर सकते हैं. 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया है कि एज अ इन्वेस्टर हमें 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड चल रहा है उसका हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके. और नॉर्मली एज अ आप सेफ इन्वेस्टर आवरली टाइम फ्रेम में जो सिग्नल मिला है सपोज कि आवरली टाइम फ्रेम में सेल सिग्नल है तो 5 मिनट से जो 5 मिनट्स का जो सेल सिग्नल बनता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको आउटपुट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा. छोटा छोटा जो स्टॉप लॉस जो हिट होता है वो हिट नहीं होगा. उसके साथ साथ जहाँ पे भी क्रॉस ओवर जैसे कि येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर गया है वहाँ से एक सेल सिग्नल बन रहा है तो हमें उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है. और ट्रेड करने के बाद सिर्फ हमारा जो पोजिशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमें होल्ड करना है. और बीच में जहाँ पे भी आपको ट्रायंगल्स मिलता है उस ट्रायंगल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. कंडीशन उतना है कि प्रॉफिट बुक करने के लिए उस ट्रायंगल पे प्रॉफिट मिलना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली अगर निफ्टी का बात करें तो फर्स्ट टारगेट आप 25 या 30 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट करके अगर चल रहे हैं तो अगर उसके अराउंड कोई ट्रायंगल प्रिंट होता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो. अदरवाइज आप अपना पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो. उसके अलावा चार्ट के ऊपर एक ब्लू लाइन दिया गया है. जो ब्लू लाइन है वो हमारा 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेके ट्रेड करेंगे तो अच्छा आउटपुट निकल सकता है. फिल्टर्स डालने का मतलब यही है कि हम जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड है वो हमारे फिल्टर्ड हो जाए. नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो अगर बाजार ब्लू लाइन के नीचे चल रहा है अगर
कोई भी स्क्रिप्ट ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस स्क्रिप्ट में आप ओनली सेल सिग्नल्स को फॉलो करो, बाय सिग्नल्स अगर कोई बनता है तो उसको अवॉइड करो। जितने सेल सिग्नल्स बन रहे हैं उसको लेके हम काम कर सकते हैं तो आउटपुट अच्छा निकलने का चांस होता है। उसी तरह अगर कोई बाय सिग्नल्स बना हुआ है तो उसमें हम ब्लू लाइन के अगर ऊपर वो बाय है तो उसको हम एक कंफर्म बाय के तौर पे देख के उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ब्लू लाइन के ऊपर जितने भी सिग्नल्स बुलिश बन रहे हैं वो सारे हमें लेके ट्रेड करना है। ब्लू लाइन के नीचे जितने सिग्नल्स बेरिश बन रहे हैं मतलब शॉर्ट बन रहे हैं उसको लेके हम ट्रेड करना है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। अगर 15 मिनट्स और आवरली दोनों टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो हम बुलिश चाहेंगे तो अच्छा आउटपुट निकल सकता है। जैसे कि मेरे सामने एक एग्जांपल है अदानी फोर्ट्स का, तो अदानी फोर्ट्स में हम देखें तो क्या है कि आवरली टाइम फ्रेम में सेल सिग्नल चल रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी शॉर्ट सिग्नल चल रहा है। अगर हम बात करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। सो नॉर्मली हमारा जो 200 बार का ईएमए है वो 222 अराउंड आ रहा है। सो नॉर्मली अगर 222 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, ये स्टॉक ट्रेड करता है तो हम उसको बाय लेके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में अगर आप सेफ प्लेयर है तो इस बाय के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें शॉर्ट है। अगर आवरली में बाय रहता और इंट्राडे में भी बाय मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में बाय सिग्नल्स मिलता तो उसके ऊपर हम बाय करके ट्रेड कर सकते थे। तो इसका फायदा क्या रहेगा कि जो छोटे स्टॉप लॉस होने के चांस होते हैं वो कम जाएगा, छोटा स्टॉप लॉस छोटे छोटे स्टॉप लॉस फिल्टर हो जाएंगे हमारे। सो सिंपल से दोनों में काम करने, इक्विटी और कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल यही कंडीशन से आप ट्रेड कर सकते हो। या तो आप आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके ट्रेड करो कि आवरली में बुलिश है तो इंट्राडे में बुलिश ट्रेड करो, आवरली में बेयरिश है तो इंट्राडे में भी बेयरिश ट्रेड करो। उसके अलावा आप ब्लू लाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, ब्लू लाइन के ऊपर अगर बाय ट्रेड जनरेट हुआ है तो उसको बाय लेके ट्रेड करो, ब्लू लाइन के नीचे अगर शॉर्ट ट्रेड जनरेट हुआ है तो उसको शॉर्ट करके ट्रेड करो। उसके साथ साथ जैसे सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर में बात करें कि अब बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, आवरली में बाय आ रहा है, 15 मिनट में भी बाय आ रहा है, इंट्राडे में भी कोई बाय सिग्नल्स बना हुआ है और ऑलरेडी 200 बार ईएमए के ऊपर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है। उसको लेके अगर हम ट्रेड करेंगे तो आउटपुट निकलने का और चांस ज़्यादा होता है। और ऑनलाइन जो चार्ट हमारा यूज कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडर्स जिसने ऑफलाइन मतलब कि डेस्कटॉप वर्जन नहीं ले रखा है उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आपका होमवर्क रखो किसी भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स चार्ट मिल रहा है, कोई टाइम फ्रेम चेंज करके आपको देखने नहीं मिलेगा। सो हो सकता है कि आपका कोई ट्रेड ले रहे हो उसका वाइप शो होने का मतलब वो गलत जाने का थोड़ा चांस ज़्यादा रह सकता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद का एक थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं। अगर आपने कोई चार्ट या तो कोई स्टॉक निकाला है, जस्ट एग्जांपल आपने निफ्टी का रिसर्च निकाला है, आपको लगता है कि निफ्टी इस लेवल्स के ऊपर ब्रेक करेगा तो बुलिश हो सकता है, या तो इस लेवल्स के नीचे वो ब्रेक डाउन देगा तो बेरिश हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट वॉच करो। अगर उस लेवल्स को आप ब्रेक होता हुआ देखते हो और आपके अकॉर्डिंग सपोज कि निफ्टी आपका भी कैलकुलेशन है कि बुलिश रह सकता है, अगर निफ्टी RGTS ऑनलाइन में भी आपको बुलिश देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय करो। सो उसके ऊपर आउटफिट निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो मेरा अल्टीमेट गोल वो आप समझाने का वो है कि आपका थोड़ा रिसर्च रखो, आपका थोड़ा होमवर्क रखो, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम के साथ काम करो, थोड़ा स्ट्रिक्टली रूल्स बना के काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, प्रॉपरली टारगेट के साथ ट्रेड करो और जो हमारा क्वांटिटी भी है वो भी कम ज़्यादा मत करो, सेम क्वांटिटी से ट्रेड करो। और हो सकता है तो ओनली प्रॉफिट में एवरेज करो, मतलब कि प्रॉफिट में है, ट्रेड आपका ग्रिप में है और मार्केट बुलिश हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी ऐड करते जाओ बाजार में। लेकिन अगर आपका जो ट्रेड है आपकी फेवर में नहीं है, आप चांसेस है कि उसका स्टॉप लॉस हो जाए तो मार्केट को स्टॉप लॉस दे दो, एग्जिट करके काउंटर क्लोज कर दो।
उसके अलावा मतलब कि हमें लोस में एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके ट्रेडर्स, ये था RGTS ऑनलाइन के बारे में डिस्कस किया हमने। अगर कुछ आपका क्वेरी रहता है तो डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर मार्केट रनिंग डे है तो आपको लाइव चैट में भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो ओके ट्रेडर्स, थैंक यू।